जार फूल जान जार अरे जान जार ये तो बेटा जान जार हाँ फूल जान जार अरे जान जार जाने के लिए तो जान जार मस्ताने जानेगा तो पानेगा वरना मस्तानेगा अरे जान जार अरे क्यों आस्ते मंडी मेरे बाप दादा की है अरे मंडी में खड़ा हूँ मैं किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मंडी में अरे जान जान हाथ फूल जान जान चानी दिलेगा चानी आसमान चानी लानेगा तो पानेगा वरना पछतानेगा अरे जान जान हाथ फूल जान जान ले तो बच्चा जान जान हाय हाय अरे जान जान चोट भी पाया तो बंदा गया चानी दिलेगा चानी आसमान चानी लानेगा तो पानेगा वरना पछतानेगा अरे जान जान क्या चाल है आप लोगों के ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं आप लोग हम वाओ एंजॉय पार्टी चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आए हैं सराफगोट बकरा मंडी में और बारिश होने के बाद आज अच्छी की रात है तो यहाँ पे देखते हैं कि लोगों का कितना रश है और बाकी सूरत हाल क्या है और क्या रेट चल रहे हैं कि रेट कम हुए हैं या नहीं जो भी सूरत हाल होगी वो आपसे शेयर करेंगे। तो बरए मेहरबानी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बरए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप देख सकें। तो चलते हैं व्यापारियों के पास उनसे पूछते हैं क्या रेट चल रहे हैं मार्केट के और कौन कौन से बकरे इनके पास मौजूद हैं। गुलाबी नस्ल का ये बहुत ही हैवी बकरे इनके पास मौजूद हैं क्या कीमत है इसकी 5 लाख कीमत है 5 लाख कीमत है इसकी जी भाई। इसमें ऐसी क्या खासियत है जो आपने इसकी 5 लाख कीमत रखी है? आला नस्ल है और गुलाबी नस्ल है और लंबा चौड़ा है। आप इसको खड़ा करेंगे जरा दिखाएंगे व्यूअर को? ये सही खड़ा नहीं होगा क्योंकि बाहरी बकरा है ना। अच्छा खड़ा होगा ना तो फाइनल आप इसका क्या करेंगे? फाइनल इसका यही है आप फाइनल यही होगी कम नहीं करेंगे इसकी? नहीं नहीं कम। तो इसका वजन कितना है? वजन इसका 7-8 मन हो रहा है। 7-8 मन और कितने दांत है ये? दांत पूरा है 6 दांत है और इसे कोई हल्का बकरा? इसे हल्का ये भी है और ये तो सारे से तो हल्के हैं। सारे से कम अच्छा गुलाबी नस्ल है ये। और कौन से नस्लें आपके पास? और टेडी भी है और टापरे भी हैं। हाँ ये नस्ल है हमारे पास। आप आओ दिखा दे टापरा नस्ल है। टापरा नस्ल के लिए ये टापरा नस्ल है। ये कितने का है? ये साई 70 का है। 70 का जी जी 70 का। तो इसका कितना वज़न होगा? इसका वज़न मेरे ख्याल से होगा 80-90 किलो हो जाएगा। 80-90 किलो इसका वज़न होगा जी जी। और कौन सी नस्ल है आपके पास? और आप आओ दिखाते हैं। ये कोडू नस्ल। ये कोडू नस्ल है जी माशाल्लाह। देखो बैठ के दिखाओ बैठ के माशाल्लाह मेरी चीज़ है मेरा बकरा भी है। देखो कितनी छोटी टांगे देखो गुलाबी भी है और माशाल्लाह पूरे नस्ल में भी है। ये कितने दांत हैं? ये सही 4 है। 4 है जी सर। तो ये कितने का पड़ेगा हमें? ये सही 80 का है। 80,000 का जी जी माशाल्लाह कोडू नस्ल है। इसके क्या फाइनल होंगे? इसके फाइनल मेरे ख्याल से बस 75 से कम नहीं करेंगे। 75 से कम नहीं होंगे? नहीं 70 बना नहीं 75। अच्छा 75 फाइनल हो जाएगा इसको जी जी। 50 तक का सौदा नहीं बनेगा जी? 50 का सौदा नहीं बनेगा। ये माशाल्लाह इतना खूबसूरती है जैसे हो
करते हैं और तस्वीर के पैसे ना तस्वीर के होते हैं। हम कहते हैं कोडू नसल। अच्छा हाँ पूरे गांव में कोडू नसल माशाल्लाह। अच्छा अच्छा हाँ तो चलो 50 कर लेते हैं इसका यार। नहीं इसे 75 से कम ले लो एक दो हजार। नहीं दुकान है 75 का मैं वापसी लेके जाऊंगा और दूसरे इसको यहाँ साल लेके आऊंगा ना फिर मंडी में पहला नंबर होगा कोडू मेरा बकरा इंशाल्लाह। आपको भी मैं दिखाऊंगा ये भी मेरा बकरा अगले साल आप आओ मेरे पास ये बकरा फिर मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरा क्या बकरा है। चलो 55 कर लो 55 में दे दो। इसके ऊपर जो है ना माशाल्लाह बहुत हम खर्चा करते हैं दूध पिलाते हैं मक्खन सरसों का तेल। मैंने आपको सीधी बात बताई है। अच्छा सीधी खर्चा होता है इधर उधर की बात नहीं कही है सीधी बिल्कुल सीधी से। मैं तो बोल रहा हूँ 80 से भी कम नहीं करूँगा मगर आपके लिए मैंने 5,000 कम कर दिया फिर भी माशाल्लाह। ये जो टांग देखो ये देखो इसका ये आधा फुट भी नहीं होगा। अच्छा एक फुट हो जाएगा टांग आधा फुट एक फुट हो जाएगा नहीं तो इसे कम हो जाएगा। अच्छा हाँ इसे बड़ा नहीं है चीज माशाल्लाह प्यारी है और अभी भी बच्चा है। अच्छा हाँ अभी भी बच्चा है माशाल्लाह इतनी ताकत वाला है बन जानवर है ये देखो माशाल्लाह सीना। अगले साल के लिए रखूँगा ना फिर ये जमीन पे बिछाएगा मतलब उड़ नहीं सकेगा ये जैसे वो बकरा आपने दिखाया था कि वो जो बैठा होता हाँ उड़ नहीं सकेगा ये कहीं छा जाएगा ना फिर माशाल्लाह। आप देख रहे हो माशाल्लाह इस साल ही कितना हाइट में ज़्यादा कौन सा बकरा छा लिया कहते जी कौन सा ये जो कोडू है ना हाँ ये छालिया खाता है ये इसका मतलब है ये गंदम खाता है। अच्छा गंदम खाता है ये मैंने कहा छालिया खाता है छालिया कैसे खाता है यही छालिया। इसको भी कहीं आपने गुटके की आदत तो नहीं डाली। अच्छा ये तो इनका नशा भी है। ये कितने का है बकरा ये 85 का 85 का ये कौन सी नस्ल है ये सही टापरों में है। टापरों में जी बिल्कुल। और कितने दांत है ये सही अभी 6 हो रहा है। अच्छा अभी 6 हो रहा है ये जी कई का क्या बोल 6 हो गया है 6 हो गए ये जी माशाल्लाह। तो इसमें कितना वजन होगा इसका इसका सही 1.5 मन से ऊपर है 1.5 मन से ऊपर है ये जी। तो किसका आप क्या फाइनल करोगे इसका नहीं मैंने आपको बता दिया आपको कितने का समझ में आ रहा है वो आप बताओ। नहीं मुझे तो समझ में आ रहा है लेकिन आपने रेट बहुत ज़्यादा बताया ना। नहीं यानी फाइनल जो है ना ये 80 तक हो जाएगा फाइनल 80 तक होगा। चलो इसके 60 कर लेते हैं 60 तक कर लो। नहीं नहीं का नहीं होगा 60 कर लो। आपको पता है कि हम भी गरीब आदमी रोजी कमाते हैं उसके बाद ये इतनी महंगाई के दौर में फिर बकरा लेने आए हम। अमीर है भाई हमारी भी तो यही रो रही है 12 महीने की है यही रो रही है हमारे। तो आपका क्या फार्म है ये क्या घर पे पालते हैं ये क्या है ये हमारा फार्म है अपना। अच्छा जिला नौशेरा फरोज से हैं हम। अच्छा जिला नौशेरा फरोज से आप। अच्छा हमारा नाम सईद अनवर है जिला नौशेरा फरोज से। हमारा फ़ोन नंबर है 0324-2449-949 सही जी। चलो इन जो वीवर है मेरे देखने वाले जी उनको अगर बकरा चाहिए होगा तो आपसे कांटेक्ट करेंगे वो जी जी इस नंबर पे। हाँ ये हमारा व्हाट्सअप भी नंबर यही है। अच्छा यही नंबर आपका व्हाट्सअप पे जी जी बिल्कुल। चलें बहुत शुक्रिया जनाब। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को बताएँ कि वाओ एंजॉय पार्टी चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसे मैं भी यही बोल रहा हूँ तो वाई एंजॉय पार्टी को जो है ना सब्सक्राइब करें माशाल्लाह से बहुत चैनल VIP है इनको सब्सक्राइब कर दिए कर लीजिए प्लीज़। चलो थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू जी थैंक यू।